हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हमारे पास मिनी चॉपर देख रहे हैं। यह एक बहुत ही कॉमन सा प्रोडक्ट है, अक्सर सभी के घरों में देखा जाता है। यह मिनी चॉपर किसी भी कंपनी का हो, अक्सर इनमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि इनकी जो रस्सी होती है, जो इनका धागा होता है, यह कुछ दिन बाद टूट जाता है। बाकी मिनी चॉपर का कुछ भी कहीं से नहीं बिगड़ता है, इसके ब्लेड भी एज इट इज ज्यों के त्यों रहते हैं, केवल इसकी जो रस्सी होती है यह घिसकर टूट जाती है और हमारा चॉपर बेकार हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। एक बहुत आसान सी ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे घर पर ही आप इसमें कोई भी धागा, कोई भी रस्सी डाल सकते हैं। घर में कोई भी पेचकस होगा या चाकू होगा तो आसानी से इसमें यहाँ पर कुछ जगह बनी हुई है, यानी यहाँ पर इसके लोक हैं, बहुत आसानी से इनको ओपन आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब जो हमारी रस्सी है वह इस भाग में है। बहुत बड़ा कोई इसमें इंजन या कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई है, बहुत सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। जब रस्सी को खींचेंगे तो यह एक साइड में घूमेगी, इसके अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग खींचकर इसको फिर वहीं पर ले आता है। अब इसकी रस्सी हम काट कर आपको दिखाएंगे कि यदि रस्सी कट जाए तब क्या करें। सपोज करिए हमारी रस्सी यहाँ से कट जाती है, यहाँ से इसको हम चाकू से काट रहे हैं, यह रस्सी हमारी कट गई और कटने के बाद यह छूट जाएगी और इसके अंदर चली जाएगी, ये देखिए। और ऐसी स्थिति हो जाने पर हम क्या करते हैं, चॉपर को फेंक देते हैं, मान लेते हैं कि चॉपर खराब हो गया, जबकि यह खराब नहीं हुआ है। इस तरीके के धागे मार्केट से मिल जाते हैं, मात्र 1-2 रुपये का यह धागा मार्केट से मिल जाएगा। और इस धागे की लंबाई यहाँ पर यदि हम चेक करें, 23 इंच हमारा हो रहा है, यानी 24 इंच का आप धागा ले सकते हैं। और जो हमारा टूटा हुआ धागा है, जो पुराना धागा है, उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। इसमें यहाँ पर ये गांठ लगी हुई है। अब क्योंकि मेरे पास दूसरा धागा नहीं है, मुझे यही धागा इसमें लगाकर दिखाना पड़ेगा। तो जो आप धागा लेकर आए हैं उसके एक साइड में इस तरीके से आप गांठ लगा लेंगे और धागे का दूसरा सिरा, यह जो यहाँ पर हम इसमें होल देख रहे हैं, इस होल में से डालकर और ऐसे पकड़कर इसको खींच देंगे और इसी सिरे को इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। और इस धागे का यह सिरा हमें इस पार्ट में सेट करना है। धागे की गांठ हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसके ऊपर यह ढक्कन लगाया गया है। इस ढक्कन को आसानी से किसी भी नोक वाले चाकू से इसको ओपन कर सकते हैं और यह जो गांठ हमारी टूटी हुई थी इसको हम निकाल कर अलग फेंक देते हैं। और यहाँ पर हम इसमें एक गांठ लगाकर और यह हमने कर दिया है बंद, तो इसका मतलब रस्सी हमारी लग चुकी है। अब यह रस्सी टाइट कैसे करें, रस्सी को यहाँ से हमें पकड़ना है और हमें ये देखना है कि यह इधर को घूम रहा है या इधर को घूम रहा है। तो जिस साइड में भी यह घूमेगा, रस्सी को यहाँ से पकड़कर ऐसे घुमाना है। जब तक आसानी से घूमता रहे इसको ऐसे ही घुमा लेना है। इसके अंदर का स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आना चाह रहा है तो वह ऐसे घूमेगा। आपको रस्सी हाथ से ऐसे पकड़कर रखनी है और इसकी पुली पर धीरे धीरे छोड़नी है, जिससे कि इसकी पुली पर यह लिपट जाए और इस प्रकार यह पूरी रस्सी इसकी पुली पर ऑटोमेटिक लिपट चुकी है। एज इट इज आपकी रस्सी वर्क करती रहेगी। और जितने भी मार्केट में चॉपर आते हैं सभी में इसी प्रकार का मैकेनिज्म होता है, बस अंतर इतना हो सकता है जैसे इस चॉपर में रस्सी ऐसी लिपटी हुई है, दूसरे चॉपर में ऐसी लिपटी हुई हो सकती है। एक रस्सी टूटने के अलावा इसमें दूसरी क्या कमी आ जाती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हमारी रस्सी टूटती है और झटके से अंदर जाती है तो इसकी यह पुली बाहर निकल जाती है, इस प्रकार यह बाहर निकल जाएगी और बाहर निकल जाने से हमारा जो स्प्रिंग अंदर का है यह पूरा खुल जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, पुली भी अलग हो जाएगी, रस्सी भी अलग हो जाएगी और यह स्प्रिंग भी अलग हो जाएगा। तो इस पुली में इस स्प्रिंग को आसानी से कैसे लगाएंगे, वह तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। बस ध्यान रहे कि इसके जो पार्ट हैं यह पार्ट खोने न पाए। कभी कभी यह स्प्रिंग भी टूट जाता है। सपोज करिए हमारा यह स्प्रिंग यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से टूट कर पूरा स्प्रिंग खुल जाएगा,
और जो हमारी रस्सी में तनाव है वह ख़त्म हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, जैसे इसके इस सिरे पर इस प्रकार का लोक आप देख रहे हैं और दूसरे सिरे पर भी इसी प्रकार का एक लोक इसमें यह आप देख रहे हैं, तो यदि यह स्प्रिंग कहीं से भी टूट जाता है तो टूटे हुए पार्ट को अलग फेंक देना है और उसका यह जो सिरा बचेगा वहाँ से ऐसे इसको मोड़ लेना है और फिर इस पुली में ऐसे फंसा लेना है और फंसाने के बाद इसको इसके अंदर लपेटना है ऐसे। और यह देखिए दोस्तों, स्प्रिंग को इसके अंदर हमने सेट कर लिया है। यह एक पार्ट था इसका जो इसके अंदर यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था। इस पत्ती स्प्रिंग का जो बाहरी लोक था वह तो यहाँ फंसा हुआ है, एक अंदर वाला लोक यह है इसमें और एक यहाँ नीचे वाले भाग में यह गैप हम देख रहे हैं, तो इस गैप के अंदर यह लोक फंसेगा। ठीक इसके ऊपर हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं और रखने के बाद इसको ऐसे घुमाते हैं और पत्ती का वह लोक अंदर फंस चुका है। इसको सेट करने के लिए ऊपर से यह ढक्कन यहाँ पर लगा हुआ था, इस ढक्कन को लगाकर आपका स्प्रिंग भी तैयार हो चुका है। और अब फिर वही तरीका, दोनों साइड में हम घुमाकर देखेंगे, अधिक जोर नहीं लगाने हैं। जिस साइड में यह आसानी से घूमेगा उसी साइड में घुमाना है, जैसे यह इस साइड में घूम रहा है लेकिन इस साइड में नहीं घूम रहा है। रस्सी का सिरा पकड़ेंगे, जिस साइड में घूम रहा है उसी साइड में इसको घुमाते चले जाएंगे। और अब आगे यह नहीं घूम रहा है, रस्सी की ऐंठन को बाहर ले आएंगे, रस्सी को ऐसे पकड़ेंगे और इसको धीरे धीरे इस पर लिपटने देंगे। इस प्रकार यदि आपके मिनी चॉपर की रस्सी या स्प्रिंग टूट जाए तो आसानी से उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब यह है आपका मिनी चॉपर चलने के लिए तैयार है और लोक की जहां पर भी सेटिंग आएगी वहीं पर इसको सेट कर देना है। और यह चॉपर आपका ओके हो चुका है। बटरफ्लाई का यह चॉपर है, यदि इसका भी आप ढक्कन खोल कर देखना चाहते हैं तो इसमें भी यहाँ पर यह देखिए लोक दिखाई आपको दे रहे हैं, तीन चार लोक हैं। इन लोक के अंदर आप आसानी से कोई भी चाकू, घर में सभी के होता है, ऐसे फंसाएंगे। आसानी से यह अलग हो जाता है। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कार्य है। मान लीजिए कभी हमारा यह धागा, देखिए हम इसको आपको उतार कर दिखा रहे हैं, सपोज करिए हमारा धागा टूट गया है और यह हमने इसमें दूसरा धागा डाल लिया है। धागा डालने के बाद बिल्कुल उसी प्रकार सिंपली आप ये देखिए कि यह इधर को घूम रहा है या इधर को घूम रहा है। तो हमने देखा कि इधर को यह नहीं घूम रहा है, तो जिस साइड में भी घूमता है धागे को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमाएंगे। जैसे यह टाइट होने लगे और टाइट होने के बाद इसको छोड़ देंगे और इस रस्सी को इस पुली के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने देंगे। तो जैसे कि रस्सी पुली पर चढ़ गई है तो इसको इसके ऊपर हम लोक के हिसाब से देखकर सेट कर देंगे। यहाँ इसमें कट लगा हुआ है, यह कट इसके लिए है, तो जाहिर है कि यह कट यहाँ पर रहेगा। तो आसानी से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे, यह सेट हो गया है। और यह दोनों ही मिनी चॉपर, यह हैवल्स का है, यह बटरफ्लाई का है, दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। 300-400 रुपए इनकी कीमत है और यह हमारी किचन के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमेजोन से भी आप इनको आसानी से मंगा सकते हैं। और दोस्तों, इनकी रिपेयर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।